ये क्या कर रही हूँ? अरे वाह, हेलो, हाय, कैसे आप सब? होप सो कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी जा रही होगी। मैं रंगोली बना रही हूँ दिवाली पे। हर साल बनाती हूँ वैसे, ये इस साल मेरी इस घर में पहली रंगोली भी है और पहली दिवाली भी है। तो कैसी लग रही है वैसे? कुछ काम इससे किया, कुछ इससे हैंडमेड है ये, तो होप कि अच्छी लग रही होगी। इसके कलर्स भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे तो। वैसे मैं हर रोज बहुत बड़ी रंगोली बनाती हूँ, लेकिन वो थोड़ी छोटी रह गई, कोई बात नहीं, अभी ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग भी रंगोली जरूर बनाया करिए, चाहे चिपका लिया करिए, क्योंकि जो रंगोली होती है ना वो लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है, इसीलिए इतनी कलरफुल रंगोली बनाई जाती है। कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे मुझसे ज्यादा तो मेरी रंगोली अच्छी लग रही है। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सच में अभी? बहुत अच्छी लग रही है, ऑसम। अभी पूरी नहीं हुई, अभी जब पूरी हो जाएगी अच्छा, मुझे नहीं तो। पता था इतना अच्छा टैलेंट भी है हमारे अंदर। सच में बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मतलब मैंने अपने कॉलेज में तीन नहीं से चार बनाई बार थी, बार वो बनाई थी, अच्छी बनाई थी, लेकिन ये सबसे अच्छी लग रही है। मैंने अपने कॉलेज में तीन चार बार प्राइजेस जीते हैं, तो क्या मैंने अच्छी नहीं बनाई होगी? नहीं बढ़िया अच्छी तो बनाई बनाई होगी थी, लेकिन मैंने। ये तो कुछ मतलब ज्यादा, हाँ, ये आपने देखिए क्लोजर इसका। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम रियल में देखी है ना, वरना आपने सिर्फ फोटोज में ही देखी है, इस वजह से आपको ये ज्यादा अच्छी लग रही है। बाकी मैंने ये दीपक बना दिया है, क्योंकि दिवाली में तो दिए होगा होना बहुत मोस्ट कंपल्सरी है। भगवान करे अच्छी बने, लक्ष्मी जी को पसंद आ जाए, लक्ष्मी जी का वास हो मेरे घर में भी, आप सबके घर में भी। इस बार की दिवाली तो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गई है, होप सो कि नेक्स्ट ईयर की दिवाली हमारी ज्यादा अच्छी हो। हाँ, लेकिन फिर भी संतुष्टि रखनी चाहिए, इस साल की दिवाली भी बहुत अच्छी है। सोचा नहीं था कि कोरोना टाइम में इतनी अच्छी हो जाएगी, बट आई एम हैप्पी। लेकिन पटाखे नहीं मिले, ना अनार मिल रहे, ना कुछ, कहीं भी स्टॉल नहीं लगे पटाखों की। इतनी दूर जाना पड़ेगा, कम से कम 40 किलोमीटर जहाँ शॉप लगे, कैसे जाएं कैसे लाएं? कम से कम अनार तो जलाना बनता ही है ना, एक दो तो पटाखे जलाते हैं जिससे डर नहीं मैं लगता, देखूंगा इधर जाके कहीं अगर मिलेगी तो। और उसमें भी देवियां नहीं मिल रहा है। आई नो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, थोड़ा सा तो भगवान जी हमारे लिए कर दीजिए ना एडजस्ट कहीं से। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये कंप्लीट करने के बाद इसका एक क्लोजअप लेती हूँ और फिर शाम को और इसमें वीडियोस बनाऊंगी दिवाली की, फिर आप लोगों से मिलते हैं कुछ दिन के बाद लाइव भी आएंगे मैं और आपके साथ। बाय बाय। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मैं दिवाली के लिए रेडी हो चुकी हूँ, यह दिए जो कि मैं लेके जा रही हूँ मंदिर पे लगाने। मैं मंदिर आई हूँ दीपक जलाने, हमारे यहाँ घी के 9 दिए जलाए जाते हैं मंदिर पे। मैं अपने घर के बगल वाले मंदिर में आई हूँ, अब मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत भीड़ है। मैंने टेक लिया यहीं से।
आपको भी माथा टेक लेना चाहिए था ना। मैं दिल में मान लिया माता जी को। दीपक लगाने जा रहे हैं, पूजा होने वाली है, तो हम दिए तैयार कर रहे हैं। ये दोनों मेरी सिस्टर लगेंगी, मेरी क्या लगेंगी, हाँ। ऐसी हैं कि दोनों मेरी बहुत हेल्प कराती हैं काम में, और अभी भी मैं अकेले इसलिए ये जल्दी जल्दी आई है काम कराने। तो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स को, मिठाई जलाना, को दीपक जलाना, और हमें पटाखे नहीं मिल पाए हैं तो हम पटाखे नहीं चला पा रहे हैं, तो बात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन पड़ा बाकी सब ओके। ये कहाँ जा रहे हैं? अच्छा चमंडा पे, नहीं वहाँ पे जला है ऊपर। अरे वाह, तू कैसे है यार? तू कौन कौन को? हैप्पी दीपावली, कैसे हैं सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? बस उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और इस प्रकाशमय त्योहार पर उनके जीवन में भी प्रकाश आए, उनकी भी इच्छाएं पूरी हो, और जल्दी से जल्दी सभी लोगों को नौकरियां प्राप्त हो जाए, सभी लोग सरकारी बन जाए। धन्यवाद।